हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे बहुत सारे विचित्र विचित्र प्राणियों की। ठीक है, आपको लिखा हुआ मिल ही गया होगा कि हम बात करेंगे प्लेटीहेलमिंथीज की। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे आपके पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। आज देखेंगे हम प्लेटीहेलमिंथीज के बारे में। तो आप याद करिए, त्रेता युग में हमने बात की थी, जब हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो उस युग में हमने बात की थी, एक चार्ट बनाया था मैंने। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्लियर किया था कि आपका जो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला कैरेक्टर है वो किस फाइलम से शुरू होता है, सीलोमेट वाला कैरेक्टर है वो कहाँ से शुरू होता है, सीडो सीलोमेट होते हैं वो कौन से होते हैं, याद करो। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस कौन सी वाली सिमेट्री शो करेगा, तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, सिमेट्री की जब बात कर रहे हैं, व्हाट वी कॉल इट, दीज ऑल स्पीशीज विल बी अंडर द फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस, कौन सी होंगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला कैरेक्टर अगर आप याद करें, तो हम आपको याद कराएं, तो प्लेटीहेलमिंथीज आर द फर्स्ट फाइलम जहां से आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है। तो दीज विल बी योर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, सीलोम की बात करें तो सीलोम का आप शुरू होता है एनिलिडा से। क्लियर है, तो आपका जो यहाँ पर सीलोम है वो भी आपका नहीं होगा। सो दीज विल बी ए सीलोमेट। ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ए सीलोमेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर टिश्यू वाले से एक स्टेप अबव चला जाता है, मतलब कि आपका कौन सा होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सब कुछ पुराना वाला चल रहा है, नया कुछ तो भी आया ही नहीं है, है ना। तो नया वाला यहाँ पर क्या है, तो बेटा प्लेटीहेलमिंथीस को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है इनका, फ्लैटवॉर्म्स। फ्लैटवॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डॉर्सल साइड प्लस वेंट्रल साइड, आगे और पीछे दोनों ही तरफ से कैसे होते हैं, फ्लैट बॉडीड। ठीक है, इनकी जो आउटर वॉल होती है वो फ्लैट होती है, डॉर्सली भी और वेंट्रली भी। दैट्स वाई इनको नॉर्मली किस नाम से भी जाना जाता है, फ्लैटवॉर्म के नाम से। आपके जब प्लेटीहेलमिंथीस की बात करते हैं तो कुछ नामचीन एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथीस में, जो किस क्या होते हैं, वो आपके एंडोपैरासाइट भी होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर जाकर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप इनको अब अच्छा मत समझिए, अरे ये तो कुछ अच्छा शो कर रहे हैं, बेटा कुछ अच्छा नहीं शो कर रहे हैं, आपका ही लीवर खराब करेंगे आगे जाके। तो सुनिए, एंडोपैरासाइट के केस में ये बॉडी के अंदर जाते हैं एंड इंटरनली बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एंडोपैरासाइट। पैरासाइट तो आपने सुना ही होगा, एन ऑर्गेनिज्म जो कि इस टाइप का एसोसिएशन शो करे किसी सेकेंड एनिमल स्पीशीज से, जिसमें कि दूसरा वाला जो एनिमल है वो तो आपका खुद फूड प्रिपेयर कर रहा है, बट ये जो अपना न्यूट्रिशन है उसके फूड से डराइव करता है, मतलब कि उसका नुकसान खुद का बेनिफिट। तो वो तो पैरासाइट तो हम नॉर्मली समझते ही हैं, एंडोपैरासाइट मतलब कि ये बॉडी के अंदर जाकर अपना पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है, आपका फेसियोला, लीवर फ्लूक, जो कि आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो एंडोपैरासाइट, तो बेटा एंडोपैरासाइट की तरह अगर काम कर रहे हैं तो आपको कई स्पीशीज में आपको हुक्स एंड सकर्स भी मिल जाते हैं। क्या मिलेंगे आपको, हुक यानी कि चिपकने के लिए, किसी चीज़ से एकदम
चिपकने के लिए आपको इनके अंदर हुक और सकर्स भी मिल जाएंगे। मतलब ये भी चीज़ आप प्लेटी हेलमिंथीस के की नामचीन हस्तियों में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें हम इसके फर्टिलाइजेशन की। कई लोग एस लिखते हैं, कई लोग जेड लिखते हैं, हमें आज तक ना पता चला कि इनका अंतर क्या है, तो हम कभी जेड लिख देते हैं तो कभी एस लिख देते हैं। फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस की बात करें तो यहाँ पर आपको डायोशियस कैरेक्टर मिलेगा। डायोशियस, ठीक है, सॉरी डायोशियस नहीं, कौन सा मिलेगा बेटा यहां पर, कौन सा मिलेगा यहां पर आपको मिलेगा मोनोशियस, मोनोशियस मिलेगा ना बेटा, यानी कि मोनोशियस मतलब सेम बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। यहां पर भी आपके सेक्सेस जो है वो अभी सेपरेट नहीं हुए, एग और आपका स्पर्म सेम बॉडी में प्रेजेंट होगा, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट मोनोशियस। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके डेवलपमेंट की। प्लेटी हेलमिंथीस में जो डेवलपमेंट है वो आपका इनडायरेक्ट है, मतलब कि आपको लार्वल स्टेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा दीज ऑल आर मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सम एग्जांपल, तो फ्लैट वॉर्म के कौन कौन से एग्जांपल है, फेसियोला, जिसको कि आप इसके मोस्ट वांटेड नेम से भी जानते हैं, लिवर फ्लूक, और कौन है इसका अच्छा सा एग्जांपल, टीनिया। ठीक है, टीनिया भी इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, टीनिया को आप टेपवॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में तो आपका प्लेनेरिया आना ही आना है। प्लेनेरिया, इट शोज अ वेरी गुड रीजनरेशनल कैपेसिटी, ये आपको रीजनरेशन शो कर देगा। कैसे, ये है आपका प्लेनेरिया, आप इसको यहाँ से काट दीजिए और यहाँ से काट दीजिए, तीन पार्ट हो जाएंगे और तीनों के तीनों एक फुल्ली मच्योर बॉडी बना लेंगे। ठीक है, बस शर्त इतनी सी है कि आप इनको इसी प्लेन में काटिएगा, क्योंकि ऐसे काटने से क्या होता है, यहाँ पे कुछ रीजनरेशन शो करने की सेल्स यहाँ पर बच जाती है, मतलब कि ऐसी सेल्स जो कि रीजनरेशन शो कर सके। अब मान लीजिए आप इसको ऐसे कट कर दें, इस पार्ट में ही रह गई, यहाँ पर तो रीजनरेशन की सेल्स है ही नहीं, तो ये वाला पार्ट ग्रो ही नहीं करेगा। तो हमने इसको इसी प्लेन में क्यों काटा, क्योंकि ऐसे काटने से आपको तीनों सेगमेंट में आपको रीजनरेट करने वाली सेल, या जो सेल रीजनरेट कर सकती है उसके अंदर कैपेसिटी हो, वो सेल आपकी उसमें रिटेन रहेगी। दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे ही काटते हैं, ऐसे काटो तब पता चले बेचारा प्लेनेरिया ना आपका रीजनरेशन शो कर पाए। अच्छा, तो अब हमने कवर कर लिया आपका प्लेटी हेलमिंथीस, अब हम जा रहे हैं, छलांग मार रहे हैं द्वापर युग में। अब हम छलांग मार रहे हैं किसमें, द्वापर युग में। तो अब हम बात करेंगे द्वापर युग की, द्वापर युग के राक्षस की, कौन है वो, वो है आपका एसके हेलमिंथीस। अगर आपको मैं याद दिलाऊं इसके नामचीन काम, तो ये कौन कौन क्या क्या कर रहा था, तो बेटा एसके हेलमिंथीस आपके किस में आ रहे थे, स्यूडोसीलोमेट में। याद आया कुछ, हाँ सर याद आ गया सर, स्यूडोसीलोमेट में आपने बताया था कि ऐसे मीजोडर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होगी और ऐसे पाउच बनाएगी, याद आ गया स्यूडोसीलोमेट। आपका प्लेटी हेलमिंथीस क्या था, एसीलोमेट, ये क्या है, स्यूडोसीलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो अब होगा ही होगा, क्योंकि वो कैरेक्टर प्लेटी हेलमिंथीस से शुरू हो गया है। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा बूस्टर, एनर्जी बूस्टर, यानी कि ऑर्गन सिस्टम वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, खुश हो जाओ, अब तो दिला दिया हमने इसको,
बहुत महंगा पड़ा मैं, बहुत महंगा हुआ, पूरी मेरी सेविंग खर्च हो गई इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल दिलाने में, ठीक है। स्यूडोसीलोमे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और बेटा इसकी सिमेट्री क्या होगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल, यानी कि एक ही ऐसा प्लेन है जो कि इसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो जाए और कंप्लीटली ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। दैट्स व्हाई हमने इसको किस कैटेगरी में रखा, बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनका एक बहुत ही अच्छा मोस्ट वांटेड नाम है राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी है वो ट्रांसवर्सली एकदम गोल होती है। अगर आप इसको यूं पकड़ोगे और यूं घुमाओगे तो पूरे के पूरे ये राउंड शेप में आपको नजर आएंगे। दैट्स व्हाई इनको हम किस नाम से भी जानते हैं, राउंड वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है वो फुल्ली डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो फुल्ली डेवलप होने की वजह से आपको यहां पे क्या बोल सकते हैं, इसको एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। डेवलपमेंट से क्या मीनिंग है, कंप्लीट होना, यानी कि टू ओपनिंग विल बी देयर, माउथ अलग होगा एंड एनस अलग होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है प्लस फुल्ली डेवलप्ड है तो इसमें आपको प्रेजेंस ऑफ अ मस्कुलर फेरिंस भी मिल जाता है। इसमें एक अच्छा खासा डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स आपको मिलेगा, ठीक है। और कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, यहां पर आपको एक्सक्रीशन के लिए सेपरेट एक्सक्रीटरी पोर भी मिलता है जो कि आपका इसमें एक्सक्रीशन अच्छे से परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, एक्सक्रीटरी पोर भी दे दिया एसके हेलमेंथिस में, बहुत पैसा खर्च हुआ, ठीक है, लुट गया मैं इसको एक्सक्रीटरी पोर दिलाते दिलाते। और बताइए बेटा, और आपको क्या क्या फाइलम एसके हेलमेंथिस में मिल जाएगा इफ़ यू कंपेयर इट टू प्लेटी हेलमेंथिस। अच्छा सुनो एक चीज़, अब मेरे को यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात आई तो मुझे उसमें याद आया, प्लेटी हेलमेंथीस में आपका एक कैरेक्टरिस्टिक और ऐड कर लेना, प्लेटी हेलमेंथीस में आपको फ्लेम सेल्स भी मिलती हैं टू परफॉर्म एक्सक्रीशन। तो ये वहाँ पर हमने नहीं लिखा था, अब लिख लीजिए आप, नीचे वहाँ पर जगह बची होगी नोट्स में, लिख लीजिए फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो फ्लेम सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं प्लेटी हेलमेंथीस में, यहाँ लिखा है तो ये मत लिख देना कि एसके हेलमेंथीस में होती है, वरना एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा और उसके जिम्मेदार हम थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत। तो एक्सक्रीटरी पोर आपको किस में मिल जाएगा, एसके हेलमेंथीस में। और बताइए सर, सर आप हमें इतना सही बता रहे हो और फिर एग्जाम में तो बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो बेटा और बता देते हैं। तो बेटा अभी तक हम जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि जो पॉरीफेरा था आपका, जो टीनोफोरा था, जो निडेरिया था, इन वाले फाइलम में आपको जो एनिमल्स देखने को मिल रहे थे वो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म शो कर रहे थे, वो एक्वेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे, मतलब कि पानी में रह रहे थे। यहाँ पर एसके हेलमेंथीस में टेरेस्ट्रियल वाले ऑर्गेनिज्म भी आपको मिल जाएंगे, टेरेस्ट्रियल वाले मिल जाएंगे, फ्री लिविंग मिल जाएंगे, एक्वेटिक भी मिल जाएंगे और साथ साथ में पैरासिटिक भी मिल जाएंगे। तो यहां पर आपको सारे के सारे लाइफ फॉर्म, तो देख रहे हो टेरेस्ट्रियल वाला कैरेक्टर अब यहां पे आने लग गया, ठीक है। बात कर लें इसके फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल, डेवलपमेंट जो होगा वो आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कुछ स्पीशीज में डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ स्पीशीज में इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इंटरनल हो गया और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो गया, ठीक है। सेक्सेस जो हैं वो आपके इस बार क्या हो जाएंगे, सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। जब से लेके अब यहाँ पे पहला ये आपका जो
फाइलम है वो एसके एलिमेंटीज है जिसमें सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। दैट मीन्स ये वाले कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, डायोशियस। क्लियर है। बात कर लेते हैं इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल की। इसका जो पहला बहुत ही नामचीन हस्ती है और आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, इसका सबसे नामचीन हस्ती किसको लाएं, कौन है आपका राउंड वॉर्म, किसको बोलते हैं बेटा, एस्केरिस ही आपका राक्षस है, राउंड वॉर्म। क्या इनको हम राक्षस बोल सकते हैं, किसी इंसान को राक्षस बोल दो तो ऐसे मुंह फुला लेता, अरे मेरे को क्या बोल दे इसने, एस्केरिस है, बताओ इसको, जाके बताओ इसको, बोलो इसको कि आप, तुझे ना ऐश्वर्या सर ने राक्षस बुलाया है, खुश हो जाएगा, अरे मुझे तो एस्केरिस ना बुला के, मुझे राउंड वर्म ना बुला के, मुझे राक्षस बुलाया है, ठीक है। इंसान को बोल दो राक्षस, देवता बोलोगे तो खुश हो जाएगा, राक्षस बोलोगे तो दुखी हो जाएगा। एस्केरिस मस्त आदमी है, इसीलिए हमें जानवरों से बहुत प्यार है, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, दिल में कोई अहंकार नहीं रखता है, कुछ रखता ही नहीं है। पहली बात, इसको खुद को नहीं पता कि इसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, इसको पता चल जाए कि इतना फेमस आदमी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, हम जो इतने अपने आप को इतना इंटेलिजेंट मानते हैं, हम बायपेडलिज्म शो करते हैं और इतने सीसी का दिमाग पा लिया है ना, और हेयर ऑन द बॉडी मेमोरियल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, एस्केरिस पढ़ रहे हो, एस्केरिस भी कितना फेमस है हमारे बीच में, बेचारा, काश तू भी जान पाता कितना फेमस है हमारे बीच में, बैठ। फिर इसका नेक्स्ट मोस्ट वॉन्टेड होता है वुचरेरिया, ठीक है। और कौन सा इसका एग्जाम्पल आप मुझे बता पाएंगे, एनसाइक्लोस्टोमा का दूसरा नाम क्या है, हुकवॉर्म, ठीक है, क्लियर है। वुचरेरिया का क्या नाम होता है बेटा, फाइलेरियल वॉर्म, क्लियर है। एस्केरिस राउंड वॉर्म, वुचरेरिया फाइलेरियल वॉर्म, एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा इज योर हुक वॉर्म। हुक्स एंड सकर आपके प्रेजेंट थे प्लेटी हेलमेंथीज में, तो अब ये गलती मत करके आ जाना कि हुक वॉर्म किसी को बोला जा रहा है तो अब ये प्लेटी हेलमेंथीज में। हुक वॉर्म जो है, जो एनसाइक्लोस्टोमा है, वो आपका किस फाइलम में है, एसके हेलमेंथीज में। तो चलें आगे। तो यहाँ पर आपको बेटा क्या क्या देखने को मिल गया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांस सिस्टम किस में मिल गया, आपको देखो एक्सक्रीटरी पोर मिल गया, आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, स्यूडोसीलोमेट हो गए ये, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई, सेपरेट माउथ एनस मिल गए, मस्कुलर फेरिंग्स की प्रेजेंस मिल गई, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, प्लस सेक्सेस भी जो हैं सेपरेट हो गए। तो एक तरीके से प्लेटी हेलमेंथीस पे, एसके हेलमेंथीस पर जाते ही आपको काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हायर ऑर्डर के हैं वो मिले हैं, ठीक है। तो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, अब हम डिस्कस करेंगे एनिलीड्स हम डिस्कस करेंगे। तो आओ बेटा पढ़ते हैं नेक्स्ट योर एनिलीडा। तो एनिलीडा आया मेरे पास, ठीक है, कि सर आप मेरा नामकरण कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा एनिलीडा को, ठीक है, एनिलीडा, तब उसका कोई नाम नहीं था, ही वॉज नेमलेस, गुमशुदा की तलाश बोलते हैं ना। तो एनिलीडा आया मेरे पास और उसने बोला सर नामकरण कर दो, सबका नाम रख दिया आपने, किसी को प्लेटी हेलमेंथीस बोल रहे हो, किसी को मॉलिस्का बोल रहे हो, मुझे अभी तक आपने नाम ही नहीं दिया सर, मेरे को सब टिंकू जिया कह के पुकारते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तेरा भी नाम रखते हैं। तो क्या है, ये ऐसा दिख रहा था मेरे को, ऐसा मतलब इसकी बॉडी में ना मेरे को ऐसे रिंग्स दिख रही थी, ऐसे गोल। तो उस टाइम मेरे को किसी ने बताया, उससे पहले ही मुझे पता था दरअसल, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। तो किसी ने मेरे को बताया था कि जो रिंग्स होती है ना, रिंग्स, लिटिल रिंग्स, उनको एन्यूलस भी बोला जाता है। तो मैंने तुरंत एनिलीडा का नाम एनिलीडा रख दिया,
क्योंकि मेरे को, मैंने जब उसको ऊपर से नीचे देखा ना, मैंने कहा उल्टा घूम सीधा घूम, दिखा दिखा दाएं बाएं दिखा, तो मुझे ऐसे लिटिल ऐसे गोल गोल रिंग्स नज़र आई, ठीक है, उसकी बॉडी पे रिंग्स नज़र आई। दरअसल मेरे पास अर्थोम आया था, है ना, तो उस पर मेरे को रिंग्स नज़र आई। तो मैंने कहा जा, आज से तुझे लोग पुकारेंगे एनिलीडा के नाम से, तेरे फाइलम का, तेरे खानदान का नाम आज से मैंने क्या रख दिया, एनिलीडा। खुश होकर चला गया, आज तक भी मेरे को थैंक यू बोलता रहता है। जब भी कोई अर्थोम मिलता है ना मेरे को, तो चुपके से आँख मार देता है, मैं भी मार देता हूँ। मैं भी भाई बैर किसी से नहीं पालना, कोई अगर खुश हुआ है मेरी सर्विस से, सो दैट मीन्स आई हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो एनिलीडा को अपना नाम पसंद आया, दैट्स व्हाई ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट, ठीक है। तो आओ देखते हैं एनिलीडा के पास क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज़, बायलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, और क्या होगा बेटा, नाउ दे विल बी ट्रू सीलोमेट्स, ठीक है, ये कौन, ये होंगे आपके सीलोमेट, सीलोम, कंप्लीट सीलोम इसमें प्रेजेंट होगी। मीजोडम जो है वो आपकी एक बीच में कैविटी लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट, ठीक है। आगे जाके ये क्या बनाती है, बॉडी कैविटी। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात कर लें तो आपको इसमें नेफ्रीडिया मिल जाते हैं। नेफ्रीडिया आर व्हाट, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच विल परफॉर्म द एक्सक्रीशन इन एनिलीडा फाइलम, ठीक है। तो इसको क्या बोला है, नेफ्रीडिया, ये क्या करती है बेटा, एक्सक्रीशन। इसका एक नामचीन एग्जाम्पल है जिसका नाम है नीरीज, ठीक है, नीरीज। नीरीज के पास लेटरल अपेंडेजेस भी होती हैं। ये क्या होती हैं बेटा, लेटरल अपेंडेजेस क्या है, साइड में निकले हुए दो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स, दो नहीं मतलब बहुत सारे होते हैं लाइन से, क्योंकि ये तो आपके सेगमेंट शो करती है। अच्छा अभी सेगमेंट वाला नहीं बताया, तो आपको बता देते हैं कि इसके अंदर आपको सेगमेंटेशन भी ही मिल जाता है। ऑलमोस्ट आप इसको एक तरीके से मोर और लेस एक्सटर्नली प्लस इंटरनली दोनों ही बोल सकते हो, लेकिन एक्सटर्नली तो ये आपका सेगमेंटेशन होता ही होता है। आपको बाहर से जब अर्थफॉर्म को देखते हो तो रिंग्स नज़र आएंगी, रिपीटिटिव रिंग्स नज़र आती हैं इस बीच इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है। तो उनको हमने क्या बोल दिया, सेगमेंटेशन। दैट मीन्स ये आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, इन मेटामेरिज्म यू फाइंड स्मॉल स्मॉल रिपीट्स, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स। तो इसीलिए सेगमेंटेशन आपको एनिलीडा में मिलता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये बाहर से ही सेगमेंट होते हैं या अंदर भी पूरा डिवीजन होता है। तो बेटा जब हम इसके एक्सटर्नली की बात करते हैं तो आपका सेगमेंटेशन हो ही रहा है। व्हेन वी टॉक इंटरनली कि अंदर से भी क्या कंप्लीट आपका सेगमेंटेशन है, नो, कंप्लीट इंटरनल सेगमेंटेशन यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज यस कंप्लीट, हाफ इंटरनल आप बोल सकते हो, ठीक है, मोर और लेस आपको इंटरनली भी सेगमेंट मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन कंप्लीट बोले कि अंदर से पूरी एक वॉल खिंची हुई है दो सेगमेंट के बीच में, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, सेगमेंटेशन। तो नीरीज में क्या है, लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है। सपोज करो ये नीरीज है, इसके साइड में इसको ऐसे दो ये लेटरल अपेंडेजेस होती हैं इसके पास, जिसकी मदद से ये क्या करता है, स्विम करता है, तैरता है, ठीक है, स्विम करना ही इसको पसंद है। और ये लेटरल अपेंडेजेस जो हैं इसको क्या बोला जाता है, पैरापोडिया। तो नीरीज के अंदर जो लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है, साइड में जो इसके जो फ्लिपर्स टाइप स्ट्रक्चर हैं, छोटे छोटे आउटग्रोथ हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, पैरापोडिया, एंड दे हेल्प्स इन स्विमिंग। इसकी मदद किस में करते हैं, ये स्विमिंग में, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका कौन सा हो जाएगा, नेफ्रीडिया की बात हो गई, नीरीज की बात हो गई, सीलोम वगैरह की बात हो गई, सेगमेंटेशन की बात हो गई, सो ऑलमोस्ट वी हैव
कवर्ड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। कोई छूटा? तो चलो फिर अब इसके सेक्सेस की बात कर लेते हैं। सेक्सेस जो हैं वो आपको दोनों तरीके के मिल जाते हैं, मोनोशियस भी एंड डायोशियस भी। मोनोशियस का केस, मोनोशियस मतलब कि बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? अर्थवॉर्म एंड लीच। डायोशियस के कौन सा एग्जांपल है? नीरीज। नीरीज के अंदर आपको मेल और फीमेल सेक्सेस दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नीरीज इज योर डायोशियस एग्जांपल और अर्थफॉर्म और लीच जो है आपके मोनोशियस के एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है? और कुछ इसमें बताया जा सकता है क्या? अगर आप मेरे को बताओ, बोल के बताओ, मैं ऐसे तो और कुछ बताऊंगा नहीं। आपकी अगर आवाज़ मुझ तक पहुंची तो मैं इसमें कुछ ना कुछ आपका ऐड कर सकता हूँ। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? फेरेटिमा। लीच का क्या होता है? हिरुडिनेरिया। नीरीज तो है ही अपने आप में साइंटिफिक नेम। ठीक है, इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? ये तो ब्लड सक करती है ना लीच, तो लीच इज योर ब्लड सकिंग एनिमल। ठीक है, अर्थवॉर्म आपका क्या है? फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म आज भी मेरे को थैंक यू बोलता है। अच्छा सुनो, एक चीज़ जो हम इसमें एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं, यहाँ पर भी अब आपका टेरेस्ट्रियल कैरेक्टर अच्छा खासा मिल गया है। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, प्लस आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर पैरासिटिज्म आपका एकदम ख़त्म हो जाएगा। आपको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे यहाँ पर भी आपको कई सारे स्पीशीज आपको मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर एनीलिडा। चलिए,